देख रहे हैं SPN9 न्यूज और एक बार फिर से मैं आपके सामने अपना खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल लेकर हाजिर हूं। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी मैं सीटों के बंटवारे को लेकर। अमित शाह और वसुंधरा राजे में कहीं ना कहीं खटपट की खबरें आ रही हैं। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि वो अपने मन मुताबिक सीटें देंगे जिनको उन्हें देना है। तो मैं वसुंधरा राजे का कहना है कि उन लोगों को सीटें दीजिए जो काफ़ी सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच अब दोनों नेताओं के बीच कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो है मन मुटाव अब सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा सकती है। इसी बीच एक बार फिर से एक सर्वे सामने आया है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर और ये सर्वे भी बीजेपी की नींद आने वाला है। शायद इस सर्वे को सुनने के बाद शायद बीजेपी नेताओं को अब नींद नहीं आने वाली है क्योंकि यहां पर भी इस सर्वे में भी बताया गया है कि जो है बीजेपी की हार होनी तय है और कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में। आगामी 7 दिसंबर को सूबे में इलेक्शन होने वाले हैं। 11 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प अगर कोई राज्य है तो इस वक्त राजस्थान है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में गुजरात की तरह ही राजस्थान भी कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर चल रहा है कि आखिर राजस्थान में क्या भविष्य होगा बीजेपी और कांग्रेस का। कुल मिलाकर जिस तरह से अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में खटपट देखने को मिल रही है टिकट के बंटवारे को लेकर, इसमें कहना कि सुप्रीमो के तौर पर जो है अमित शाह खुद को दिखा रहे हैं तो वसुंधरा राजे खुद को दिखा रही हैं कि मैं भी वसुंधरा राजे हूँ और मेरी भी चलेगी। तो वहीं अमित शाह ये कह रहे हैं मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी भी सुननी पड़ेगी। शुरुआत से ही अमित शाह लगातार राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। उनके दौरे बड़ा कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ चाह रहे हैं और उनको पता है ये कि बाकी राज्यों का तो नहीं पता लेकिन राजस्थान इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होना बिल्कुल तय है और इसी वजह से वो वहां पर अपनी रणनीति, अपना मास्टर माइंड, अपना सिक्सर, अपना कहीं ना कहीं वहां पर सारी रणनीति लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को जीत दिलानी है बाई हुक या बाई को। गुजरात में क्या हाल हुआ था सब इस बात से वाकिफ है। 150+ का टारगेट लेकर गए थे गुजरात लेकिन कहां पर अटक गए, 100 के नीचे अटक गए बीजेपी वाले। अब ऐसे में कहीं ना कहीं वही हश्र शायद राजस्थान में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के लिए तो फिलहाल खुशखबरी है इस ओपिनियन पोल से। ओपिनियन पोल का जिक्र करती हूं कहां पर क्या है, लेकिन इस ओपिनियन पोल में एक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि 48% राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे को नापसंद करती है और सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है राजस्थान की जनता। यानी कि आगामी दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, भले ही राहुल गांधी अभी इस पर थोड़े से सियासी मोहरे की तरह काम कर एक सियासी चाल कर रहे हो, खेल रहे हो, ताकि अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई तनातनी ना हो जाए जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाए और कांग्रेस राजस्थान भी खो दे। और इसीलिए ओपिनियन पोल में जिस तरह से बातों का जिक्र किया गया वो साफ साफ बयां कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल नगर है इस बार बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। जो सर्वे आया है सामने, ये सर्वे 67 विधानसभा क्षेत्रों में कराया गया है। इस विधानसभा में 120 सैंपल लिए गए हैं और इस तरह पूरे प्रदेश के 8040 मतदाताओं की राय उनसे पूछी गई है। इस सर्वेक्षण में 4250 पुरुष और 3790 महिलाओं ने भाग लिया है और सर्वे के मुताबिक राजस्थान के 48% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शासन बहुत खराब था, जबकि 35% जनता और वसुंधरा राजे के समर्थन में है। 12% लोग कामकाज को औसत मानते हैं, 5% लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, तो इस सवाल के जवाब में 30.82% लोगों ने अशोक गहलोत को सही ठहराया है तो वसुंधरा राजे को सिर्फ 22.25% ही वोट मिले हैं, जिनका कहना है कि वो बेहतरीन मुख्यमंत्री रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसका सरकार का कामकाज बेहतर रहा है, राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का, तो 63% लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार को बेहतर बताया है और वसुंधरा राजे की सरकार को घटिया शासन करार दिया है। और यानी कि इस पूरी बात से साबित हो रहा है कि राजस्थान के लोग आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट करने वाले। भाजपा के लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम में इस बात की जानकारी दी थी कि राजस्थान में मोदी सरकार पर वोट मांगे जा रहे हैं, ना कि वसुंधरा सरकार पर वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी पर वोट मांगे जा रहे हैं, ना कि पीएम मोदी के नाम का जिक्र किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भले ही अमित शाह ये कह रहे हो कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे मुख्यमंत्री भी निस्संदेह वही बनेगी क्योंकि उनका अपना एक प्रभुत्व है राजस्थान में, उनके बिना बीजेपी की कल्पना भी नहीं की जा सकती राजस्थान में, क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा कोई बड़ा चेहरा शायद बीजेपी में अभी है नहीं अगर देखा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सर्वे सामने आया है, सर्वे से साफ ये जाहिर हो रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में बीजेपी 25 सांसद की सीटों में से कम 20 से ऊपर की सीटें फिर से ला सकती है। लेकिन
अगर यहाँ मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। पीएम मोदी क्या करेंगे, पकौड़े तलवाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं हालांकि 27% लोग ये भी मानते हैं कि विकास बड़ा मुद्दा है, और 1% लोग मानते हैं कि राफेल डील पर भी इस चुनाव का असर पड़ राफेल डील भी इस चुनाव में असरदायक साबित हो सकती है। लेकिन इसमें जब पूछा गया कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को किस का चेहरा किसको देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे या फिर सचिन पायलट, तो सबने सचिन पायलट का नाम लिया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं 67 विधानसभा क्षेत्रों में 120 सैंपल, 8,040 मतदाताओं की राय आपको मैंने बताई है, वसुंधरा राजे नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही बीजेपी का इस बार प्रदर्शन बहुत बुरा होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए खुशखबरी है कि अगले साल बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिलहाल विधानसभा में बीजेपी का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है इस सर्वेक्षण के मुताबिक। चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या आंकड़ा है, और ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे मायावती बड़ा गेम कर सकती है। जी हाँ, मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, और ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती अगर एससी एसटी और आदिवासियों के वोट में सेम लगा पाई, अगर इसमें सफल हो गई, तो जाहिर सी बात है इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा, और कांग्रेस कहीं ना कहीं चारों खाने चित्त हो सकती है, कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि आखिर शहरी इलाके में 2013 में क्या कंडीशन थी भाजपा की, और गांव के इलाकों में क्या कंडीशन थी भाजपा की, और शहरी प्लस ग्रामीण में क्या कंडीशन थी। और इसके अलावा जिस तरह से मारवाड़ क्षेत्र जो कि जोधपुर बेल्ट है, हड़ौती क्षेत्र जो कि झालावाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह से 2013 में कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस थी, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने कितनी कितनी सीटें हासिल की थी। मारवाड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ में ही शेखावटी, मेवाड़ और शेखावटी जो है दोनों बहुत अहम मानी जा रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के घमासान के लिए। इसके अलावा बीजेपी का जो अनुमान बताया जा रहा है इस बार, जो विधानसभा चुनाव का अनुमान जो सर्वे में निकल कर आया है, जो कि ओपिनियन पोल आया है, उसके मुताबिक 70-80 सीटों के बीच सिमट सकती है बीजेपी विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस 100 के ऊपर सीटें ला सकती है, बीएसपी 1-3 के बीच सिमट सकती है, और जितने भी अन्य हैं, चाहे वो अन्य निर्दलियों में भी निर्दलीय हो, चाहे वो सपा हो, अन्य पार्टियां हो, जो भी हो, व्हाटएवर, उनको उनका जो आंकड़ा है वो 7-9 है, और बीएसपी 1-3 के बीच में सिमटेगी। और बीजेपी जो कि 163 साल 2013 में सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, फिलहाल वो 100 के नीचे खिसकेगी, 70-80 के बीच सीटें मिलेंगी उसे, ये ओपिनियन पोल में कहा जा रहा है, जो कि मेरे हाथों में स्पष्ट है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस इस बार कमाल कर सकती है, और जाहिर सी बात है सबसे मजबूत आधार जो है वो है आपका अल्टरनेट सरकार का, क्योंकि हमेशा अल्टरनेट सरकार, जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राज कर रही है अल्टरनेट सरकार के तौर पे, कांग्रेस पहले थी वहां पे, तो यहां पर तो बीजेपी को फिर हार का स्वाद चखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वहां पे जीत का स्वाद चख लिया तो यहां पे बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ। और इस वक्त जितने भी वहां पर मुद्दे नजर आ रहे हैं वो सारे बीजेपी के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं वसुंधरा की वजह से बीजेपी की भी हार हो सकती है। मोदी सरकार को लोग जायज ठहरा रहे हैं, मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा के शासनकाल से खुश नहीं है। 48% जनता का अगर ऐसा मानना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है इस बार बीजेपी के लिए, और 48% लोग कम नहीं है अपनी राय देने के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं 48% का मतलब 48% अगर आ जाते हैं कांग्रेस के समर्थन में, तो समझिए फिर बीजेपी का तो बनता आधार है। और इस वक्त तो जिस तरह से कि अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में सीटों को लेकर अभी तनातनी चल रही है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा अन्य पार्टियों को मिलेगा। मायावती इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं, अगर वो वोट काटने में कामयाब होती हैं उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, और कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। और बहुत अहम सीटें हैं, बहुत जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी आपको शहरी इलाका बताया, ग्रामीण इलाका बताया, हड़ौती क्षेत्र बताया, मारवाड़ बताया, और शेखावटी बताया, मेवाड़, कहीं ना कहीं ये सब जो है बहुत अहम क्षेत्र है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतरीन रहा है, इसका वो परफॉर्मेंस जो है गिर सकता है, और पूरी जो वहाँ पे समीकरण है वो बीजेपी के खिलाफ फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी कौन कौन से उम्मीदवार उतारती है, लिस्ट जब जारी होगी तब मालूम होगा, लेकिन फिलहाल अभी सबकी नजर लिस्ट पर है। मैनिफेस्टो भी काफी कमाल कर सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे के मैनिफेस्टो या 2013 से भी लोग तुलना करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था और कितना पूरा हुआ कितना नहीं पूरा हुआ। तो ऐसे में जब 2013 में कही गई बातें वसुंधरा राजे 5 साल में पूरी नहीं कर पाई, तो फिर अगर ये जो कहेगी तो वो कितनी पूरी कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये तो जनता भी इतनी नादान नहीं है, जनता भी बहुत चालाक है, जनता भी बहुत समझदार है, कि उसे पता है कि सब वोट के लिए, वोट के खातिर होता है कि बड़े बड़े आप जुमले कर दो, बड़ी बड़ी बातें फेंक दो, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आती है फिर तो 5 साल के लिए
राम राज हो जाता है कि भाई हम तो आराम कर रहे हैं, और लेकिन जैसे ही 5 साल का एक कहते हैं ना रिसाइकल, यानी कि दोबारा एक काउंटडाउन शुरू होता है खत्म होने का, तो फिर लोग जनता के दरवाजों पे जाते हैं और वोट मांगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी समझदार है। फिलहाल कुल मिलाकर राजस्थान का सियासी घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है। इस ओपिनियन पोल ने साफ बयां कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बननी बहुत मुश्किल है राजस्थान में, कांग्रेस सरकार सत्ता में आ रही है और मुख्यमंत्री के तौर पे सचिन पायलट को ज्यादा पसंद किया जा रहा है बनस्पत वसुंधरा राजे के। ये कांग्रेस समर्थकों की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो 120 सैंपल लिए गए हैं, 8040 मतदाता शामिल हुए हैं और जिस तरह से इसमें 67 विधानसभा क्षेत्र, जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है 67 विधानसभा क्षेत्र, और कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि इस बार वसुंधरा राजे वर्सेस सचिन पायलट तो देखने को मिलेगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी जैसा कि हमेशा देखने को मिला है वैसे देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार सचिन पायलट शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर राहुल गांधी की इसमें ख्वाहिश रही तो। हालांकि पूरे जो समीकरण है, पूरे जो एक नक्षत्र भी कह लूं मैं, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं पक्ष में नजर आ रहा है सचिन पायलट के और बीजेपी के, सब कुछ खिलाफ जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत गिरने वाला है राजस्थान में और ऐसे में अमित शाह और भले ही एडी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन जो वक्त ने लिख दिया वो तो होकर रहेगा कि शायद इस बार बीजेपी की राजस्थान में नो सरकार। नमस्कार।